तो चलिए प्रोसेस करते हैं डिटरमिनेंट्स को। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन फोर तक कंप्लीट कर चुके थे, अब आइए क्वेश्चन फाइव का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन फाइव है इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट्स, ठीक है। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, सेकेंड पार्ट है उसमें फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, और जो इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट है उसमें क्या करेंगे, थर्ड पार्ट में हम R2 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, और जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें C2 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। तो करते हैं फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। एक्सपेंडिंग अलोंग रो वन। अब देखिए रो वन के अलोंग में एक्सपेंड कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आपको डिलीट करनी है, ठीक है। तो थ्री जीरो माइनस वन माइनस फाइव जीरो, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो को आपको डिलीट करना है, सेकेंड कॉलम को डिलीट करना है आपको, ठीक है। तो माइनस पहले से होता है, ठीक है, और माइनस है तो प्लस वन, इसको डिलीट करेंगे, इसको डिलीट करेंगे तो आपके पास में बचेगा जीरो माइनस वन थ्री जीरो, ठीक है। प्लस टू, बट यहां पे माइनस है तो ये माइनस टू होगा, ठीक है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो जीरो जीरो थ्री फाइव, ठीक है। थ्री जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो तो जीरो, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस फाइव, ठीक है, बट यहां माइनस होता है तो माइनस फाइव रहेगा। प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जीरो माइनस माइनस प्लस थ्री माइनस टू जीरो माइनस जीरो, ठीक है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस फिफ्टीन और प्लस थ्री इक्वल टू माइनस ट्वेल्व, तो ये हमारा डिटरमिनेंट्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट इसके। एक्सपेंडिंग अलोंग सी वन, फर्स्ट कॉलम के अलोंग हम इसे एक्सपेंड करेंगे, ये C1 है, ये C2 है, और ये आपका C3 है, ये R1, R2 और ये R3। तो कॉलम फर्स्ट के अलोंग हम एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। थ्री फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आपको डिलीट करनी है तो वन माइनस टू थ्री वन, ठीक है। अब देखिए माइनस वन, लेकिन उससे पहले हम इसका नेमिंग देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो ए टू वन होता है, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम इस एलिमेंट का नेम है, ठीक है। तो माइनस होगा, ठीक है, इसे डिलीट करेंगे और इसे डिलीट करेंगे तो आपके पास में बचेंगे माइनस फोर फाइव थ्री वन, ठीक है। अब आते हैं टू पे, प्लस टू, बट इसका नेमिंग देखेंगे, ऐसे तो मैं प्लस लिख के चल रहा हूँ, ठीक है। तो इसका नेमिंग क्या होगा, ए थ्री वन, ठीक है। थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो प्लस ही रहेगा, इसको डिलीट करेंगे यानी कि थर्ड रो डिलीट होगा और फर्स्ट कॉलम डिलीट होगा, तो माइनस फोर फाइव वन माइनस टू थ्री, वन को मल्टीप्लाई वन से वन, और थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू से, तो माइनस सिक्स, और माइनस प्लस सिक्स माइनस वन,
ठीक है, माइनस फोर माइनस फिफ्टीन प्लस टू माइनस माइनस प्लस एट माइनस फाइव, थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे सेवन से तो ट्वेंटी वन माइनस, इसको ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे जब तो आपको मिलेगा प्लस नाइनटीन, ठीक है, प्लस टू, और इसको ओपन करके जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा यहां से सिक्स, फोर्टी फोर्टी सिक्स, इसकी आंसर चेक करते हैं। माइनस ट्वेल्व फोर्टी सिक्स सही है, कॉपी कीजिए। तो थर्ड और फोर्थ पार्ट देखते हैं, ठीक है, तो थर्ड पार्ट को हम करेंगे सॉल्यूशन आर टू से, आर वन आर टू आर थ्री एक्सपेंडिंग अलोंग आर टू, आर टू के अलोंग में हम इसे एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, तो माइनस वन, ठीक है, इसका नेमिंग क्या है, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है, तो माइनस और माइनस प्लस वन, सेकेंड रो को डिलीट करेंगे फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, सेकेंड रो को डिलीट करेंगे फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, तो आपके पास में यहां से बचेंगे वन टू थ्री जीरो प्लस जीरो, ठीक है, लेकिन इसको हमें शो करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में माइनस थ्री, इसको हम चेक करेंगे, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम माइनस, ठीक है, और माइनस प्लस थ्री, जब इसको डिलीट करेंगे यानी कि सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से जीरो वन माइनस टू थ्री, वन इंटू जीरो माइनस सिक्स प्लस थ्री जीरो माइनस, ठीक है, माइनस टू और माइनस माइनस प्लस टू, ठीक है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सिक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, फोर्थ पार्ट देखते हैं, आर वन आर टू आर थ्री कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री, इसको एक्सपेंड करेंगे हम कॉलम टू के अलोंग, एक्सपेंडिंग अलोंग सी टू, एक्सपेंड कर रहे हैं हम सेकेंड कॉलम के अलोंग में, ठीक है, तो माइनस वन, इस एलिमेंट का नेम क्या है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, माइनस माइनस प्लस वन, ठीक है, तो इसको आप डिलीट करेंगे फर्स्ट रो को और सेकेंड कॉलम को करेंगे, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो आपके पास में जीरो माइनस वन थ्री जीरो बचेगा, ठीक है, उसके बाद में टू पे आते हैं तो माइनस टू, बट इसका नेमिंग देखते हैं क्या है, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम प्लस टू, इसको डिलीट कर देंगे आप सेकेंड रो को और सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो टू माइनस टू थ्री जीरो माइनस फाइव, ठीक है, इसको चेक करते हैं, तो थर्ड रो
सेकेंड कॉलम, ठीक है, माइनस और माइनस प्लस 5, आप थर्ड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो आपको यहां से मिलेगा 2 - 2 - 0 - 1। ओपन कीजिए इसे मल्टीप्लाई करके, तो 1 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस 3, प्लस 2 0, प्लस 3 2 6, 5 इंटू माइनस 2 और माइनस 0 मिलेगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 12 - 10, ठीक है। तो ये फाइनली हमें मिलेगा, जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से प्लस 5, ठीक है। चेक करते हैं आंसर क्या दिया हुआ, जीरो 5, बिल्कुल करेक्ट है। कॉपी कीजिए, तो क्वेश्चन 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 6 है, इफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 1 - 2 2 1 - 3 5 4 - 9, फाइंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। आपको फाइंड आउट करने हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, काफी इजी क्वेश्चन है, तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मैट्रिक्स में गिवन है तो डिटर्मिनेंट्स बनाना पड़ेगा हमें, तो बनाते हैं 1 1 - 2 2 1 - 3 5 4 - 9, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, फर्स्ट रो के अलोंग हम एक्सपेंड करेंगे, तो प्लस 1, फर्स्ट रो को डिलीट कर दीजिए, फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दीजिए, तो 1 - 3 4 - 9, माइनस 1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को डिलीट कर दीजिए, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे आप तो 2 - 3 5 - 9, माइनस 2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो आपको मिलेगा 2 1 5 4, 1 - -9 -4 - -3 = - 12, और माइनस माइनस प्लस 12, माइनस 1, माइनस 18 प्लस 15, माइनस 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 - 5। अब देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 - 3 - 1, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा यहां से -3 - 2, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा +3, ठीक है, +3 - 6, ये दोनों को ऐड करेंगे आप, 6 - 6 = 0, क्वेश्चन आपका 6 कंप्लीट हुआ, ठीक है। कॉपी कीजिए, क्वेश्चन 7 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 7 है, फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स इफ 2 4 5 डिटरमिनेंट्स गिवन है इक्वल टू 2x 4 6x, ये आपको गिवन है, तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट आपको करनी है, तो करते हैं मल्टीप्लाई कर दें तो 2 - 20 =, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² - 24, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -18, 24 को आप इधर शिफ्ट करें तो +24 = 2x², ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 6 = 2x², कैंसिल आउट करेंगे तो 3, देयरफॉर x² = 3, तो x = √3, प्लस माइनस आप लगा देंगे। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ,
तो बिल्कुल सिमिलर करना है, 10 माइनस 12 इक्वल टू 5x प्लस सॉरी माइनस 6x, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 2 इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा तो x इक्वल टू 2। अब लास्ट इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं, क्वेश्चन 8, पहले इसे कॉपी कीजिए। क्वेश्चन 8 का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन 8 है, इफ एक्स 2 18 एक्स डिटरमिनेंट्स है आपका गिवन, इक्वल टू डिटरमिनेंट्स ऑफ 6 2 18 6, देन एक्स इज इक्वल टू, तो एक्स की वैल्यू क्या होंगे? ऑप्शन ए में है आपका 6, ऑप्शन बी में है प्लस माइनस 6, ऑप्शन सी में माइनस 6 और ऑप्शन डी में है 0। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। एक्स और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, 18 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो माइनस 36 इक्वल टू 36, ठीक है, 6 6 36 और माइनस 36 ये कैंसिल आउट होगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस 36, तो एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 6, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट, ठीक है, कॉपी कीजिए।